नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री, कर्नाटक में मिले पहले दो केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दी जानकारी, अब तक 29 देशों में मिल चुके हैं ओमिक्रॉन के 373 मरीज। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह, योगी सरकार की जमकर की तारीफ, कहा यूपी से किया अपराधियों का सफाया। अखिलेश की पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना, सहारनपुर में जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी की स्टूडेंट्स को सौगात, 458 करोड़ की छात्रवृत्ति की ऑनलाइन हस्तांतरित, योजना के लाभार्थियों से किया सीएम ने संवाद। योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को किया संबोधित, तो ललितपुर में अखिलेश यादव ने निकाली रथ यात्रा। अयोध्या में ब्लास्ट की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी, होटल, धर्मशाला और प्रमुख मंदिरों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सीआरपीएफ और एटीएस के जवानों को भी किया गया तैनात। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इसके पहले दो केस कर्नाटक में मिले हैं, इनमें एक की उम्र 46 और दूसरे की 66 साल है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है, यह 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। अब तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बनाई 37 लैब में संक्रमितों को जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर है। इस दौरान शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुमवारका में मां शाकंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना और तंज कसते हुए कहा कि पहले यूपी में क्राइम चरम पर था, लेकिन अब यूपी में भाजपा की सरकार में अपराध कम हुआ है। साथ ही पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कराकर वादा पूरा किया है और कहा कि पीएम मोदी ने 3 तलाक, 370 जैसे कई बड़े मुद्दे खत्म करके लोगों को साबित कर दिखाया कि भाजपा सरकार में क्या कुछ हुआ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही नेता श्रीमान संजीव बालियान जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, धर्म सिंह सैनी जी, जसवंत सैनी जी, दिनेश खटीक जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री देवेंद्र नीम जी और आज यहां पर उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण और आज इस विराट जनसभा में उपस्थित
प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकंभरी देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे निमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में माननीय गृहमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में बहुत अग्रणी, देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है और सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर बनने वाला विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदर बात होता था, एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था, जहां पर दसों वर्षों तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का गन्ना होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकान और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12,70,000 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी। छात्र छात्राओं के खातों में 458 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। सीएम योगी ने स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है और छात्रों के साथ संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक शुरू नहीं हो पाए और लेट एडमिशन की वजह से संख्या पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण छात्रवृत्ति अलग अलग भेजनी पड़ी। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप लेने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी, ये शासन के लिए प्रसन्नता की बात है। इसकी वजह से छात्र आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने पहले जितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी उसमें 40 लाख से ज्यादा और बच्चों को जोड़ने का कार्य किया है। पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। प्रदेश के उन सभी अपने युवा साथियों को जिन्हें आज यहां पर स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 12,17,631 बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने लगभग 57 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप की किस्त भेजी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी संख्या में हमारे स्कूल, कॉलेजेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई ऐसे थे जो प्रारंभ नहीं हो पाए थे और लेट एडमिशन के नाते संख्या हमारे पास पूरी नहीं आ पाई थी, जिसके कारण हम लोगों को स्कॉलरशिप को अलग अलग किस्त में भेजना पड़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है, ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं
आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं, और आपके स्कूल के गुरुजनों को, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है, और इसके लिए सरकार अपनी ओर से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने मुरादाबाद पहुंची, जहां प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली में शामिल होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि आपके शहर में मेरे परिवार को संरक्षण दिया, यहां आकर बहुत गर्व हो रहा है। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुझे याद है कि एक्सपोर्टरों के लिए मेरे पिताजी राजीव गांधी ने कारोबारियों के लोन माफ किए और टैक्स में भी मदद होती थी। उन्होंने कहा कि आज स्थिति है कि 8000 करोड़ का निर्यात 2000 करोड़ पर आ गया है, 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो गई है। गौरतलब है कि मुरादाबाद मंडल में फिलहाल कांग्रेस के पास 27 में से एक भी सीट नहीं है। मुरादाबाद में प्रियंका का ससुराल है, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। जरूरत थी जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो बघेल जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बना रहे हैं। तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से मैंने इस बारे में सोचा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर ललितपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे। यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, साथ ही बानपुर के पास वीर ग्राम में महाराजा खेत सिंह देव की मूर्ति का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस आयोजन को लेकर स्थानीय नेता काफी एक्टिव नजर आए। अखिलेश यादव का अलग अलग जगहों पर स्वागत भी किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी पर कहा कि विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जबकि बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन रहा है। ऐसे में मथुरा में भव्य मंदिर बने, ये हर कृष्ण भक्त की इच्छा है। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि मथुरा में भव्य मंदिर बनने का विपक्ष विरोध करता है या समर्थन, इसका जवाब दे। देखिए, ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं।
अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार, होटल, धर्मशालाओं और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान और एटीएस दस्ता पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जानकारी के मुताबिक रामनगरी में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भी हमारा जो ये परिसर है संवेदनशील है, उसको लेके मेला में भी हम लोग लगे रहे। हेलोजन ड्यूटी, रेड जोन हमारी एटीएस, उसी क्रम में एक जो सेट ड्रिल होती है उसके थ्रू बीच बीच में हम लोग हाई लेवल चेकिंग करते रहते हैं, जिससे अगर कोई भी संदिग्ध हो, अपने आप को छिपा रहा हो, या जिसको लगता हो कि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और अपने फोर्स को भी सक्रिय करने के लिए हमें चेकिंग करा रहे हैं। कोई इनपुट मिला है सीओ साहब आतंकवादी, जिससे आप लोग? ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे तमाम इनपुट इस तरह के आते रहते हैं। जो इनपुट आए हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं क्या सत्यता उसमें। बाकी हमारी जो चेकिंग है रूटीन की है, उसको हम और तगड़े से करा दे रहे हैं। बुलंदशहर में एक युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप युवक के दोस्तों पर लगाया है। परिजनों के मुताबिक युवक अपने दोस्तों के साथ होटल में गया था। वहां किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसमें युवक की हत्या कर उसका शव काली नदी में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी दोस्त फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मृतक युवक शिकारपुर कोतवाली इलाके की नई बस्ती का रहने वाला था। कि खोजबीन में कुछ ऐसे सिम्टम्स मिले थे, और जो हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उसमें उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि घटना के बाद यहाँ पुल के ऊपर से डेड बॉडी को फेंक दिए हैं। और हमारी गोताखोरों की टीम है, और वैसे भी लड़के सीधे भी नदी में उतर करके डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।